अभी तक हमने पढ़ा स्टेटस बार के बारे में, राइट? तो स्टेटस बार से हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं डॉक्यूमेंट एरिया पे। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टेटस बार तक पढ़ा था, आज की वीडियो लेक्चर में अब हम नेक्स्ट मूव ऑन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट एरिया पे। तो दिस इज़ द अनदर कंपोनेंट ऑफ एमएस वर्ड फाइल, राइट? तो एमएस वर्ड फाइल में डॉक्यूमेंट एरिया में जो आता है बच्चे, डॉक्यूमेंट एरिया वो एरिया होता है द एरिया इन विच वी टाइप द टेक्स्ट। जिस एरिया में हमारा टेक्स्ट टाइप हो रहा है, आइदर इट इज़ द इमेज, लिंक, टेक्स्ट एंड एनी थिंग, तो वो हमारा क्या होता है? डॉक्यूमेंट एरिया। डॉक्यूमेंट एरिया में हम टेक्स्ट इंसर्ट कैसे कराते हैं? इसके अंदर एक कर्सर होता है जो ब्लिंक कर रहा होता है इस तरीके से, दैट इज द कर्सर, ब्लिंकिंग कर्सर। तो ये हमारे यहाँ पर इंसर्ट कराता है, दैट इज डॉक्यूमेंट एरिया, राइट? अब हम इसे आगे मूव ऑन करते हैं। डॉक्यूमेंट एरिया के बाद हमारा था एक जूम कंट्रोलर। जूम कंट्रोलर में क्या है बच्चे, ये बिल्कुल स्टेटस बार के राइट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये आपका इस तरीके से होता है। इससे क्या होता है कि हम अपने पेज के साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज़ कर लेते हैं। यहाँ पे ये 100 के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट होता है। हम इसको अगर माइनस में लेके जाते हैं तो हमारा पेज का साइज़ छोटा, मीन्स टेक्स्ट का साइज़ भी और पेज का साइज़ भी छोटा होता जाएगा, और अगर इंक्रीज़ पे करते जाते तो हमारा पेज का साइज़ बड़ा होता जाता है, दैट इज़ जूम कंट्रोलर। ये किसका काम है? हमारे जूम कंट्रोलर का काम है बच्चे। इसमें जो बीच में टैब्स, रिबन्स ये आ रहे हैं वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, वो प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उस दिन मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी। तो ये कुछ हमारे कंपोनेंट्स हैं एमएस वर्ड फाइल के। इसके बाद एक चीज़ देखते हैं, हमने देखा डॉक्यूमेंट एरिया, राइट? तो इसी के बेस के ऊपर आपको एक चीज़ बतानी है कि हमारी एमएस वर्ड की फाइल, वर्ड की जो फाइल है वो टू विंडोज़ में डिवाइडेड होती है, टू विंडोज फाइल में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज एप्लीकेशन एरिया, एप्लीकेशन विंडो, एंड सेकेंड इज डॉक्यूमेंट विंडो। डॉक्यूमेंट विंडो तो आपको पता ही चल गई, उस वो एरिया जहाँ पर हम अपने टेक्स्ट को टाइप करते हैं, मीन्स जो बीच में वाइट एरिया है जिस पे हम टेक्स्ट टाइप करते हैं वो हमारा डॉक्यूमेंट विंडो होता है, मीन्स मिनिमम पोर्शन है। एप्लीकेशन विंडो वो विंडो है कि हमने एमएस वर्ड की फाइल ओपन की, पूरी विंडो फ्रॉम द फर्स्ट टाइटल बार से हमारे जूम कंट्रोलर तक का जितना एरिया है वो हमारा एप्लीकेशन विंडो में आता है। एप्लीकेशन विंडो में ही डॉक्यूमेंट विंडो भी आ जाता है। जैसे अगर मैं आपको बुक में वही पेज दोबारा से दिखाती हूँ बच्चे, तो वो है ये, आपके इधर इस पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक ये पूरे एरिया को हम बोलते हैं एप्लीकेशन विंडो, और जो बीच में ये वाइट पेज है ये है सिर्फ डॉक्यूमेंट विंडो। तो एप्लीकेशन विंडो ऑल्सो कंटेन डॉक्यूमेंट विंडो इनसाइड इट, बट डॉक्यूमेंट विंडो इज अ मिनिमम एरिया इन विच वी कैन ओनली टाइप द टेक्स्ट, राइट? के बाद कुछ छोटे छोटे हमारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे जो आपको पता ही है ओपन करना मैंने बता दिया है, हाउ टू ओपन अ फाइल। अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्लोज अ वर्ड फाइल, वर्ड फाइल को हम क्लोज कैसे करते हैं, तो जो हमारे थ्री कंट्रोल बटन्स होते हैं उसमें बच्चे क्लोज का बटन होता है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है डू यू वॉन्ट टू सेव द फाइल। आपके पास एक विंडो ओपन होके आती है सेव फाइल में, यस, नो एंड कैंसिल। यस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो बाय डिफॉल्ट नेम से सेव हो जाएगी, नो पे क्लिक करोगे तो आपकी फाइल में कुछ भी सेव नहीं होगा, ब्लैंक फाइल रहेगी, और कैंसिल पे सेव करोगे तो आपकी फाइल बंद नहीं होगी, जहाँ पे थी वहीं पे ओपन रहेगी, आप उसमें आगे काम कर सकते हो। तो ये आपका एक क्लोज करने का ये तरीका है कि आप यहाँ से भी अपनी फाइल को क्लोज कर सकते हो। कंट्रोल बटन्स पे जाके आप इस क्लोज पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक विंडो ओपन होकर आती है, डू यू वॉन्ट टू सेव द फाइल, यस, नो एंड कैंसिल, राइट? इसके अलावा एक वे और भी आपके पास, आप फाइल बटन पे जाओ, फाइल बटन पे सबसे लास्ट में होता है आपका एग्जिट या फिर क्लोज, ये दो ऑप्शन मिलेंगे आपको कोई भी, आप जिन पे क्लिक करोगे सेम आपके पास इसी तरीके से ऑप्शन आता है डू यू वॉन्ट टू सेव द फाइल, अगर आपने फाइल सेव नहीं की होगी तो, और आप इसके बाद अपनी फर्दर प्रोसेसिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को क्लोज कर सकते हो, ये है आपका तरीका कि आपको फाइल क्लोज करनी था, फाइल क्लोज कैसे करोगे। इसके बाद नई फाइल तो आपने ओपन करना सीख लिया, मान लीजिए बच्चे आपने एक फाइल ओपन की हुई है क्लास 9th के नाम से, थोड़ी देर पहले आपने एक फाइल और बनाई थी आईटी के नाम से, राइट? आपने क्लास 9th वाली फाइल अभी ओपन की हुई है, फिलहाल में आपकी फाइल ओपन है, मैं आप इसमें काम करो, मैंने बोला बच्चे कि इस फाइल को बंद नहीं करना, डोंट क्लोज द फाइल, ओपन योर प्रीवियस फाइल ऑल्सो, अपनी प्रीवियस फाइल को भी ओपन करो। तो अब इसको आपको बंद नहीं करना है, तो आप कैसे ओपन करोगे? आप फाइल बटन पे ही जाओगे,
फाइल बटन पे आपके पास ओपन का ऑप्शन मिलेगा, आप उसको क्लिक करो। एक ब्राउज विंडो ओपन होती है, उसमें आप अपनी आईटी वाली फाइल को सर्च करके उस पर क्लिक करो, आपकी आईटी की फाइल ओपन हो जाएगी। इसकी शॉर्टकट की भी है, दैट इज़ कंट्रोल प्लस ओ, यानी कि कोई एग्जिस्टिंग फाइल जो आपने पहले बना रखी है, आपको अपनी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना है, तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ओ। ये तो थी आपको पहले बनी हुई फाइल को ओपन करना है, या फिर एक दूसरा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर आपने मान लीजिए क्लास 9th की फाइल ओपन की हुई है, और मैं आपको बोलती हूँ कि बच्चे एक काम करो, अपने नेम से एक फ़ाइल और बनाओ, अभी इसको बंद नहीं करना, इसको ओपन ही रहने दो, एक नई फाइल बनाओ अपने नाम से, ठीक है, ब्लैंक फाइल, न्यू फाइल बनानी है आपको, ठीक है। तो न्यू फाइल बनाने के लिए सेम आप फाइल के ऑप्शन पे जाओगे, आपको वहाँ पे न्यू का ऑप्शन मिलेगा, न्यू पे क्लिक करोगे तो आप ब्लैंक ऑप्शन आएगा, और फिर आप ओके कर दो, आपकी नई फाइल ओपन हो जाएगी ब्लैंक। आप उसको किसी भी नाम से फिर सेव कर सकते हो, अपने नाम से, या फिर आप एक शॉर्टकट की है, आप कंट्रोल प्लस एन की प्रेस करो, आपके पास नई फाइल ओपन होके आ जाएगी। तो ये हमने कुछ चीज़ें पढ़ी अभी। सबसे पहले हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में फाइल को ओपन करना सीखा था, यहाँ पे हमने इसको क्लोज करना सीखा, दो तरीके से हम फाइल को क्लोज कैसे करते हैं। फिर हमने सीखा कि हमने अगर एक एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना है, हमारी फाइल बनी हुई है, हमें उसी फाइल को ओपन करना है, तो हम कैसे ओपन करेंगे, क्या शॉर्टकट की है, और अगर विदाउट शॉर्टकट की अगर हमें करना है तो हम कैसे करेंगे। उसके बाद हमने सीखा कि अगर हमें कोई नई फाइल ओपन करनी है, पुरानी फाइल नहीं, नई फाइल ओपन करनी है, दैट इज़ ब्लैंक फाइल ओपन करनी है, तो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन, और अगर आपको उस तरीके से ओपन करनी है पूरे प्रोसेस के साथ, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है। आप फाइल बटन पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक एंड ओके, राइट। तो ये कुछ हमारे पास, इस तरीके से हमारे पास कुछ वेज होते हैं जिनसे हम अपनी फाइल को ओपन या सेव कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, हमारे पास दो ऑप्शन और आते हैं। एक होता है, मानिए मैंने एक फाइल बनाई, अब मैं आपको बता रही हूँ सेव और सेव एज में डिफरेंस, ठीक है, सेव और सेव एज में डिफरेंस बताते हैं। मैंने एक फाइल बनाई, फाइल बनाई तो बाय डिफ़ॉल्ट वो किस नाम से सेव होगी, वो फाइल बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो जाती है डॉक्यूमेंट वन के नाम से। डॉक्यूमेंट वन के नेम से मैं उस फाइल में कुछ मैंने लिखा, राइट, डॉक्यूमेंट वन के नेम से मैंने अगर उसमें कुछ लिखा, मैंने लिख दिया। अब मेरे पास दो तरीके, मैं फाइल के बटन पे जाती हूँ, मैं सेव पे क्लिक करती हूँ। अगर मैंने सेव पे क्लिक किया बच्चे, सेव पे क्लिक करने के बाद जो मेरा ये फाइल का नेम मेरा डॉक्यूमेंट वन ही रहेगा, मैं इसको चेंज नहीं कर सकती, और जो भी टेक्स्ट मैंने लिखा है वो सेव हो जाएगा सेव के ऑप्शन पे। दूसरा तरीका है, मैंने वो लिखा, मैं फाइल पे गई, मैंने सेव एज पे क्लिक किया, जैसे ही मैं सेव एज पे क्लिक करती हूँ एक नई विंडो ओपन होके आती है, जहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिलता है कि सेव एज, कि मुझे ये जो फाइल है ये किस नाम से सेव करनी है, और मैं यहाँ पे इस फाइल का नेम चेंज कर सकती हूँ, राइट। मैंने इस फाइल को सेव एज पे क्लिक किया, तो ये जो मेरी फाइल थी, मान लीजिए मैंने इसको सेव किया है रवीना के नाम से, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वन हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, रवीना, राइट। तो सेव एज में हम इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं, सेव में सिर्फ वो जिस नाम से पहले सेव थी वो उसी नाम से बस आगे सेव हो जाएगी। सेव एज में हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम उस फाइल का नेम भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सेव और सेव एज के दो ऑप्शन होते हैं, जिनमें डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं, राइट। और सिर्फ हमारे पास शॉर्टकट की जो होती है वो सेव की होती है, सेव की जो शॉर्टकट की है हमारे पास, दैट इज़ CTRL प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस हमारे पास शॉर्टकट की है सेव फाइल की, कि हमें हमारी फाइल को सेव कैसे करना है, राइट। तो ये हमारे पास एक नेक्स्ट ऑप्शन भी है जो हम अपनी फाइल के ऊपर लगा सकते हैं, हमारी एमएस वर्ड की फाइल पे। ये सारे के सारे ऑप्शन हमें कहाँ पे मिलते हैं, फाइल ऑप्शन में। हमें सारे के सारे ऑप्शन कहाँ मिलेंगे, हम फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम वहाँ पे जाके, कुछ बच्चों ने अभी तक जैसे एमएस वर्ड यूज़ नहीं किया है तो उनको नहीं पता होगा ये फाइल ऑप्शन कहाँ पे आता है, तो मैं उनको दिखाती हूँ, एक मिनट। देखिए बच्चे, ये मैंने आपको एमएस वर्ड की फाइल ओपन करके दिखाई थी, यहाँ पे आपको अभी विजिबल नहीं हो रहा होगा, जो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका फाइल ऑप्शन है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, क्लोज, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। देखिए मैं आपको थोड़े से बड़े उसमें दिखाती हूँ, तो हेयर इट इज, ये है आपका यहाँ पे फाइल है, इस फाइल बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको वो सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। नीचे एक विंडो फाइल ओपन होके आते हैं और वहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये देखिए, हेयर इट इज़, जैसे ही फाइल पे क्लिक किया यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, सेव,
सेव एज, ओपन, क्लोज, रीसेंट, न्यू, प्रिंट। प्रिंट का ऑप्शन भी देखिए यहाँ पर है कि अगर आपको अपने फाइल को प्रिंट कराना है, अपने पेजेस को प्रिंट कराना है, तो आप प्रिंट की कमांड भी यहाँ से दे सकते हैं, प्रिंट की कमांड, राइट। कि आप जो भी फाइल आपको बना रहे हैं आप उसको प्रिंट की कमांड दे सकते हैं। प्रिंट की शॉर्टकट की क्या होती है, CTRL+P, यहाँ से आप प्रिंट की कमांड भी दे सकते हैं। ओके, तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशन थे जो हम अपनी फाइल पे अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही।